अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमने सेकंड रोज़ा रखा और सेकंड रोज़े की जो है ना इफ्तारी वो मेरी कंप्लीट हो गई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जो है ना वो सहरी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। सहरी में मैंने जो चीज़ बनाई वो मैं आप लोगों को शेयर। इस तरह मेरे पराठे बन रहे हैं, एक पराठा बन गया, दूसरा पराठा मैंने तवे पर डाल दिया। पूरी दूर चिकन पकौड़ा बनाने का सामान तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये एक ब्रेस्ट लेके ना उसको अच्छे तरीके से छोटे छोटे उसको स्लाइसेस काट लिए, और दो प्याज हैं उनको मैंने काट लिया है, तीन टमाटर हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से काट लिया, और ये धनिया है, और ये दो सब्ज़ मिर्चें हैं, इन सबको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एक अंडा तोड़ तोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया। आधा चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी का ऐड करती हूँ, एक चम्मच गरम मसाला, डेढ़ चम्मच सुरख मिर्ची, क्वार्टर स्पून ब्लैक पेपर, हाफ लेमन इसके अंदर निचोड़ देती हूँ, तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और पाँच से छः चम्मच इसके अंदर मैं जो है ना वो बेसन के ऐड करती हूँ। और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा से इसी तरीके से मिक्स करूँगी, ड्राई मिक्स करने की कोशिश करूँगी, अगर मुझे पानी की ज़रूरत हुई तो फिर मैं ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें अंडा भी है और इसमें भी जो मसाले सारे डाले हैं वो चिकन भी और सारी चीज़ें जो है ना उसमें होता है ऑलरेडी, तो फिर ज़्यादा पानी इसमें हो जाए तो फिर ये पकौड़े जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं बनते। क्या देखो मुझे पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, वैसे मैंने रख लिया था एहतियातन अपने पास, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसके अंदर ड्राई मिंट जो है ना उसके पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे दूसरा फ्रेश वाला मिला नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं एक चम्मच भर के ये डाल रही हूँ, तो आप फ्रेश मिले तो वो डालें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पकौड़ों का मैंने मटेरियल बना के एक साइड पे रख लिया। अब मैंने जो इमली है वो तकरीबन दो घंटे पहले भगो के रखी हुई थी, अब इसको मैं इसके अंदर से गुठलियाँ जो है ना वो निकाल लेती हूँ। अब ये सारा जो पानी है ना वो मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। ये मैंने स्ट्रेन कर लिया है ज़्यादातर तो पानी है, तो अभी भी इसके अंदर जो थे ना वो काफ़ी हद तक जो थे ना वो थे, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर एक मग पानी और डाल के रख दिया है, तो अभी थोड़ी देर तक इसको मसलते हुए फिर मैं दोबारा इसको स्ट्रेन करती हूँ। दूसरा भी ये मसलते हुए कितना अंदर से भी हो गया, इसका प्लम्प भी तकरीबन हो गया होगा, तो अब मैं इसको दोबारा स्ट्रेन करती हूँ और फिर मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। इस तरीके से अच्छे तरीके से मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है, अब मैं जो इमली है वो उसको पकने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं चीनी डाल देती हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करती हूँ, एक चम्मच सुरख मिर्च, मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया क्योंकि नमक इसके अंदर पहले ही ऑलरेडी है, तो मेरी ये थोड़ी और गाढ़ी होती है तो मैं इसको उतार लेती हूँ। मेरी इमली की चटनी बनकर तैयार है, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब मैं समोसों का सामान बनाने लगी हूँ, तो समोसों के सामान के लिए मैंने जो तीन आलू लिए उबले हुए और उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया ऐड कर देती हूँ, एक चम्मच सुरख मिर्चों का, क्वार्टर स्पून मिंट लीव, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, वो सामान बनकर तैयार हो गया, और साथ में ये पकौड़े जो है ना, तो अब मैंने चूल्हे पे ऑयल भी रख दिया है, तो मैं बनाती हूँ। जब तक मेरा तेल गर्म होता है उतनी देर तक मैं पानी बना लेती हूँ। सबसे पहले जग लेके उसके अंदर मैं ये पाँच से छः चम्मच जो है ना चीनी के डालती हूँ, और जस कोप है तो तीन भर के ये मैं डालती हूँ। चिकन के पीस के साथ जो सारी चीज़ें मिक्स करके साथ लगा के, तो इस तरीके से मैं इसको पकौड़ा बनाते हुए फ्राई करती हूँ। तो 3 मिनट तक एक साइड से पकने रहती हूँ, फिर मैं इसको पलटती हूँ।
स्पून की मदद से मैं इनको एक एक करके पलटती हूँ। अब 2 से 3 मिनट इस साइड से भी पका के फिर मैं इनको निकाल दूँ। ये मैंने चटनी का आइस क्यूब एक निकाल के रखा है इसके ऊपर। अब इसके अंदर एक लेमन में छोड़ देती हूँ, हाफ लेमन में छोड़ूंगी। मेरे पकौड़े बन गए हैं, मैं इनको निकालती हूँ और इसमें रख देती हूँ। ये कल के आलू के बचे हुए कतलियाँ कल की इसी तरह मैंने फ्रीजर में रखी हुई थी और ये कल का ही बना हुआ बेसन है जिसके अंदर मैं डिप करके इनको फ्राई कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमने अपने सेकंड जो अफ्तारी है वो बना ली। अल्लाह पाक नेकियां समेटने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।